हाय दोस्तों दोस्तों आज हमारे पास सोनी का 32BX330 सेटअप आया हुआ है, जिसका डबल इमेज है। आज हम इसका डबल इमेज का सलूशन निकालते हैं, देखते हैं डबल इमेज कैसे रिपेयर होता है। ये हमारे गेट सिग्नल है, ये दोनों साइड पर होते हैं, लेफ्ट साइड पर भी होते हैं और राइट साइड पर भी होते हैं। ये वाले हमारे राइट साइड वाले हैं। सबसे पहले राइट साइड वाले प्रिंट को कट करेंगे, जो चार प्रिंट है ये वाले कट करेंगे। तो देखते हैं, कट करके देखते हैं हमारा डबल इमेज का सोल्यूशन निकलता है कि नहीं निकलता है। ज़्यादातर तो राइट साइड वाले प्रिंट कट करने से ही डबल इमेज का सोल्यूशन हल हो जाता है दोस्तों, बड़े आराम से। जो चार डिजिट बने हुए हैं तो चार डिजिट के ऊपर से कट करना है, मतलब कि डिजिट के नीचे से नहीं कट करना है, डिजिट के ऊपर से कट करना है। देखते हैं हमारा डबल इमेज का सोल्यूशन हल होता है कि नहीं होता है। हमने प्रिंट कट कर दिए हैं, तो अभी इसको जस्ट स्टार्ट करके देखते हैं। सेटअप अब ऑन करके देखते हैं। हमारा फॉल्ट नहीं निकला, फॉल्ट बदल गया है। पहले डबल इमेज आता था, हमने CKV 1 कट करके CKV कट करके देखा है, तो वर्टिकल बार्स आने शुरू हो गई हैं। दोबारा हम वो प्रिंट जो कट किए थे, CKV सिग्नल कट किए थे, उसको हम दोबारा से सोल्डिंग करेंगे। ये हम धीरे धीरे प्रिंट को जो कट किए थे उसको स्क्रैच कर रहे हैं, धीरे धीरे बड़े आराम से स्क्रैच करना है, फिर उसको साफ़ कर लेना है। ये हमने साफ करने लगे, ये हमारे प्रिंट साफ़ हो गया है। फिर पेस्ट लगाकर इसको सोल्डरिंग कर देना है। अब हम इसको पेस्ट लगाएंगे, पेस्ट लगाकर दोबारा दोबारा से सोल्डरिंग कर देना है, तो ये हमारे प्रिंट लग जाएंगे। सिग्नल सोल्डरिंग हो गए हैं, जो हमने सिग्नल कट किए थे जी, हमारे सोल्डरिंग हो गए। अब हम लेफ्ट साइड वाले जो CKV के सिग्नल है उसको कट करेंगे जी। हमने ये कट करने लगे हैं, ये बड़े आराम से दोस्तों आपने करने हैं। आपको पहले भी बोला हुआ है कि जो डिजिट बने हैं डिजिट के ऊपर से कट करने हैं प्रिंट है, तो जो हमारे सिग्नल कट हो जाएंगे जी। हमने CKV सिग्नल, गेट पल्स सिग्नल वगैरह सभी कट कर दिए हैं। तो अब हम इसको सेट को चला कर देखते हैं जी, हमारे सिग्नल कट हो गए हैं। अभी सेट ऑन करके देखते हैं हमारा सेट रिपेयर हुआ है कि नहीं हुआ है। ये हमने LCD को ऑन कर दिया है, हमारे डबल इमेज सही हो गया है, बिल्कुल एकदम प्रॉपरली सही हो गया है। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर देना।